नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित धर्म संवाद इस विशेष कार्यक्रम में मैं श्री गुरुराज प्रभु आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, आज हम कोरोना नामक एक महासंकट का सामना कर रहे हैं। इस भयंकर महामारी पर आधुनिक विज्ञान दवाई ढूंढ रहा है, परंतु इस भयंकर महामारी पर अभी तक कोई दवाई उपलब्ध नहीं है। ऐसे संकट की स्थिति में स्थिर रहने के लिए केवल अध्यात्म ही हमें आत्मबल और मनोबल दे सकता है, हमारा तनाव भी कम कर सकता है। आज अनेक देशों के डॉक्टर योग ध्यान के साथ साथ ओंकार का जप भी करने लगे हैं। आज संपूर्ण विश्व शांति के लिए भारत की ओर देख रहा है। ऐसे में अध्यात्म समझकर उसको जीवन में उतारना होगा, और इसी अध्यात्म की खोज हम इस धर्म संवाद में कर रहे हैं। अब तक के हुए अनेक धर्म संवाद में हमने वर्तमान काल में चल रहे आपत्काल, अध्यात्म, सुख दुख, पितृदोष तथा वास्तुदोष इन विषय में विस्तृत रूप में समझ के लिया। साथ ही साथ हमने श्री रामनवमी तथा श्री हनुमान जयंती के विषय में भी समझ के लिया, और पिछले कुछ दिनों से हमने गुरु इस विषय पर और शिष्य के विषय में विस्तृत रूप से धर्म संवाद किया। आज भी हम ऐसे ही अलग विषय पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम देखते हुए यदि आपके मन में जिज्ञासावश कोई प्रश्न निर्माण होता है तो वह कमेंट बॉक्स में लिखकर निश्चित रूप से आप हम तक पहुंचाएं। अपना प्रश्न लिखते समय अपना नाम, अपना राज्य का नाम तथा शहर का नाम भी इसमें अवश्य लिखें। यदि संभव हो तो आप अपना संपर्क क्रमांक भी लिखें। हम आपकी सभी शंकाओं का यथासंभव निरसन करने का प्रयास करेंगे। आज हमारे साथ आज के धर्म संवाद के लिए पूजनीय नीलेश जी उपस्थित हैं। हम पूजनीय नीलेश जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। पूजनीय नीलेश जी, आप व्यवसाय से समुद्री जहाज निर्मित क्षेत्र के अभियंता हैं। आपने सनातन संस्था के मार्गदर्शनानुसार साधना कर संत पद प्राप्त किया है, अर्थात आप आध्यात्मिक क्षेत्र के अधिकारी संत भी हैं। विगत 21 वर्षों से आप पूर्णकालीन रूप से हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं, और इसी कार्य हेतु आप निरंतर प्रवास में रहते हैं। आपके पास आध्यात्मिक और सामाजिक इन दोनों क्षेत्रों का अनुभव है। हमारा सौभाग्य है आज आपका मार्गदर्शन हम सभी को मिलने वाला है। आइए आज के धर्म संवाद को हम प्रारंभ करते हैं। आज हम जिज्ञासुओं ने भेजे हुए अलग अलग प्रश्नों के ऊपर मार्गदर्शन लेंगे। पूजनीय नीलेश जी, आज हम अलग अलग विषय में आपसे प्रश्न पूछेंगे, तो सर्वप्रथम हम अध्यात्म से संबंधित प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे। इसी धर्म संवाद के माध्यम से अध्यात्म, यह जो एक जटिल शब्द जिन्हें लगता था, उसको अत्यंत सरलता पूर्वक हमें समझाया गया, परंतु आज का युग वैज्ञानिक युग है और ऐसे में विज्ञान सभी जगह अपने पैर पसार रहा है और उसका महत्व सभी को लगने लगा है। ऐसे समय में अध्यात्म और विज्ञान दोनों का हम एक समतुल कैसे रखें, यह आप हमें सर्वप्रथम बताएं। विज्ञान ये भौतिक जगत से संबंधित है। विज्ञान केवल स्थूल पंच ज्ञानेंद्रियों से संदर्भ में शोध कार्य करता है, किंतु अध्यात्म केवल स्थूल एवं सूक्ष्म ही नहीं अपितु उससे भी आगे सूक्ष्म स्तर, सूक्ष्मतर एवं सूक्ष्मतम का भी विचार करता है। विज्ञान तंत्रज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के संदर्भ में जानकारी देता है, तो अध्यात्म या आत्मज्ञान से जुड़ा है। परंतु आज जीवन के प्रत्येक अंग को विदेशी दृष्टिकोण से देखा जाता है। इस विचार से प्रभावित होकर भारतीय आज अपना त्यागमय अध्यात्म भूलकर विदेशियों का भोगमय जीवन जी रहे हैं। आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं कि सूक्ष्मतम अथवा अति सूक्ष्म बातें मानवीय जीवन को बहुत प्रभावित करती हैं, परंतु
फिर भी वे अध्यात्म के नियमों को नहीं मानते। आज अपौरुषेय अध्यात्म शास्त्र को विदेशी दृष्टि से नहीं वैदिक धर्म की दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। अध्यात्म शास्त्र इतना व्यापक है कि उसमें संपूर्ण विज्ञान समाहित हो सकता है। और कई लोगों को लगता है कि अध्यात्म कठिन शास्त्र है, परंतु अध्यात्म कठिन नहीं है, यह तो जीवन की कठिनाइयों को सुलझाने वाला शास्त्र है। प्राथमिक अवस्था में अध्यात्म शास्त्र में निहित विज्ञान को समझते हुए अभ्यास करने के बाद ये पता चलेगा कि यह शास्त्र अति प्रगत विज्ञान ही है। बुद्धिवादी और विज्ञानवादी ये न समझे कि अध्यात्म बहुत कठिन है, यह अत्यंत सरल है, इसे आचरण में लाना चाहिए, क्योंकि अध्यात्म यह आचरण में यानी कृति में लाने का शास्त्र है। अध्यात्म शास्त्र में बताई गई बातें जब आचरण में लाई जाती हैं, तभी वो समझ में आता है कि जीवन को समृद्ध और सुखी कैसे बनाया जा सकता है। हिंदू धर्मशास्त्र विज्ञान को नकारता नहीं है। भौतिक सुविधाओं के लिए विज्ञान का उपयोग होना तो चाहिए, इसके साथ ही अध्यात्म को कनिष्ठ न मानते हुए अध्यात्म से जीवन को सुसंस्कारित परिपूर्ण करने के लिए अध्यात्म शास्त्र में बताए अनुसार आचरण करना चाहिए। आपके इन बातों से कैसे समतोल रखना है और अध्यात्म का महत्व भी हमें ज्ञात हुआ। एक हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि भारतीय वैज्ञानिक तत्व अर्थात अध्यात्म शास्त्र आधुनिक जो वैज्ञानिकों से आगे था, ऐसे कह सकते हैं क्या? क्योंकि जो आपने अभी हमें बताया, ये सूक्ष्म सूक्ष्मतम सूक्ष्मतर यहाँ तक जाता है, तो इसकी वास्तविकता भी आप हमें बताएं। अवश्य, संपूर्ण विश्व के उद्धार के लिए सक्षम वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता इत्यादि सदग्रंथ भारत के संत महापुरुषों की एक बहुत बड़ी देन है। अनादिकाल से संपूर्ण विश्व भारत के अध्यात्म और योग विद्या से शांति और आनंद प्राप्त कर रहे हैं। आधुनिक विज्ञान से भारतीय वैज्ञानिक तत्व अर्थात अध्यात्म शास्त्र निश्चित आगे था और रहेगा भी। इसे समझने के लिए विज्ञान एवं अध्यात्म की तुलना करके देखते हैं। विज्ञान की व्याख्या क्या है? विगतम ज्ञानम यस्मात् तत् अर्थात जिसमें से ज्ञान निकल गया हो वह है विज्ञान। ऐसी एक विज्ञान की व्यंगात्मक परंतु अर्थपूर्ण व्युत्पत्ति है। सा विद्या या विमुक्तये अर्थात जो मुक्ति दिलाए उसे ही विद्या यानी ज्ञान कहते हैं। ऐसा ज्ञान केवल अध्यात्म शास्त्र से मिलता है। भारतीय वैज्ञानिक तत्व में यह ज्ञान मिलता है। दूसरा अंतर यह है कि विज्ञान के सत्य में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जैसे आजकल के दिन में डार्विन के सिद्धांतों को आज गलत बताया जाता है। विज्ञान में निरंतर होने वाले परिवर्तन के कारण विज्ञान के पुस्तकों के सुधारित संस्करण छापने पड़ते हैं। संक्षेप में, विज्ञान अपूर्ण एवं असत्य ऐसा एक शास्त्र है। इसके विपरीत आत्मज्ञान में परिवर्तन नहीं होता है। अध्यात्म के शोध से प्राप्त जो सत्य है वो त्रिकाल बाधित एवं शाश्वत होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि वेद, उपनिषद आदि के पुनर्मुद्रण कभी होते नहीं है, सुधारे संस्करण कभी नहीं होते। एक सरल उदाहरण मैं बताता हूं ये विषय समझने के लिए। हमारे यहाँ हर घर में तुलसी वृंदावन रहता है। उसकी प्रतिदिन पूजा और परिक्रमा की जाती है। आज विज्ञान प्रगत होने के बाद बता रहा है कि तुलसी से 24 घंटे ऑक्सीजन ही निकलता है। प्रकृति के लिए वो उपयोगी है। कोई आधुनिक प्रयोगशाला न होते हुए भारतीय वैज्ञानिक तत्व ये जानता था। हिंदू वेदों को मान्यता देते हैं और वेदों में विज्ञान बताया गया है। आधुनिक विज्ञान ने केवल 100 वर्षों में पृथ्वी को नष्ट कर देने जैसी स्थिति बनाकर रखी हुई है। इसकी तुलना में अत्यंत प्रगतिशील एवं समाज को कष्ट पहुंचे
ऐसा एक भी शोध न करने वाला प्राचीन हिंदू विज्ञान ऐसा था। हिंदू ऋषि जो पूर्व काल के शोध करता ही थे, उनकी बुद्धि की विशालता देखकर आज के वैज्ञानिक को अत्यंत आश्चर्य होता है। वैज्ञानिक युग में पश्चिमी वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए शोध वास्तव में सहस्त्रों वर्ष पहले हमारे हिंदू ऋषि मुनियों के द्वारा किए जा चुके हैं। वर्तमान में पश्चिमी वैज्ञानिकों के शोध को न्यून सिद्ध करने वाला हमारे हिंदू ऋषि मुनि यही वास्तव में खरे वैज्ञानिक शोध करता है। अब इसका एक दो उदाहरण मैं दूंगा। एक है गुरुत्वाकर्षण का रहस्य। गुरुत्वाकर्षण का रहस्य उजागर करने वाले भास्कराचार्य जी, इन्होंने अपने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में गुरुत्वाकर्षण के विषय में लिखा ही है। उन्होंने लिखा है कि पृथ्वी अपने आकाश का पदार्थ स्वशक्ति से अपनी ओर खींच लेती है, इस कारण आकाश का पदार्थ पृथ्वी पर गिर जाता है। इससे सिद्ध होता है कि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का शोध न्यूटन से 500 वर्ष पहले लगाया था। दूसरा उदाहरण मैं दूंगा। परमाणु शास्त्र के जनक आचार्य कणादि जी ने अणुशास्त्र के जॉन डाल्टन के 2500 वर्ष पहले ही बताया था कि द्रव्य के परमाणु होते हैं। विख्यात इतिहासतज्ञ टीएन कोलेब्रुक, इन्होंने कहा है कि अणुशास्त्र में यूरोपीय शास्त्रज्ञों की तुलना में आचार्य कणाद तथा अन्य भारतीय शास्त्रज्ञ विश्व विख्यात थे। अभी मैं दो ही उदाहरण यहाँ पर बता रहा हूँ। यदि आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो आपको भारतीय वैज्ञानिक तत्व की महानता समझ में आएगी। आगे फिर कभी इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जी निश्चित, हम इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। आपने जिस ढंग से हमारे अध्यात्म के विषय में बताया और जो उदाहरण दिए, उससे हमारे दर्शकों को भी निश्चित तौर पर ध्यान में आया होगा कि वर्तमान आधुनिक विज्ञान की तुलना में हमारा अध्यात्म बहुत ही प्रगत और परिपूर्ण ही था। तो निश्चित तौर पर अध्यात्म का महत्व हमें ध्यान में रखना चाहिए और वर्तमान शांति के लिए पूरा विश्व भारत की ओर भी देख ही रहा है। अब हम इस विषय को यहीं पर विराम देते हुए थोड़े से अलग विषय का, यानी मृत्यु और श्राद्ध, इस विषय जो प्रश्न हमारे यहाँ आए हैं तो उनके विषय में आपसे पूछना चाहेंगे। एक बात ध्यान में आती है कि अमावस्या के दिन बहुत सारे लोगों के यहाँ पे जो पूर्वज है उनके लिए छत पर भोजन रखा जाता है, तो ऐसा करना चाहिए क्या, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। इसमें ऐसा कहा जाता है कि जो श्रद्धा से किया जाए वह श्राद्ध है। जिनका श्राद्ध में विश्वास नहीं है, ऐसे लोगों को यदि श्राद्ध के विषय में हिंदू धर्म का आध्यात्मिक विज्ञान समझा दिया जाए तब वे भी श्राद्ध पर विश्वास करने लगेंगे। श्राद्ध ये हिंदू धर्म का एक पवित्र कर्म है। मानव जीवन में इसका असाधारण ऐसा महत्व है और उद्देश्य के अनुसार श्राद्ध के अनेक प्रकार हैं। शास्त्रों में कुल 96 प्रकार के श्राद्ध बताए गए हैं। उनमें एकोदिष्ट, सपिंडीकरण, पार्वण, महालय एवं नांदी, ये 5 श्राद्ध ही वर्तमान में प्रचलित हैं। काम में श्राद्ध के बारे में भी बताया है। विशेष कामना की पूर्ति के लिए किए जाने वाले श्राद्ध को काम में श्राद्ध कहते हैं। फल प्राप्ति के उद्देश्य से विशेष दिन या तिथि एवं नक्षत्र पर श्राद्ध करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसमें हरेक तिथि के अनुसार अमावस्या के तिथि को श्राद्ध करने से मिलने वाला फल बताया गया है। इसलिए केवल छत पर भोजन रखने से पूर्ण लाभ नहीं होगा, अपितु शास्त्र में बताए अनुसार श्राद्ध की विधि के साथ ये किया जाए तो ही श्राद्ध का लाभ मिल सकता है। बिल्कुल, आपने जिस ढंग से श्राद्ध के विषय में ही विस्तृत रूप से बताया, उससे निश्चित तौर पर ये जो छत पर अमावस्या के दिन भोजन रखने की जो प्रथा की तरह हुआ है, उसको आगे बढ़ाकर हम श्राद्ध की ओर हमारे दर्शक जाएंगे, ऐसे लगता है। अभी और एक जो प्रश्न मृत्यु से संबंधित ही ध्यान में आता है कि बाल्यावस्था में यदि किसी की मृत्यु होती है तो उसे सदगति कैसे मिलेगी, यह भी एक प्रश्न
निर्माण होता है। यहाँ पर व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसकी आत्मा को सद्गति मिले इसलिए श्राद्ध करना, ये हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा वैशिष्ट्य है। प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष में या पितृपक्ष के कृष्ण पक्ष को महालय श्राद्ध किया जाता है। पितृपक्ष की विविध तिथियों पर विशिष्ट व्यक्तियों के लिए कौन सा श्राद्ध आवश्यक है, ये एक हम जानने का प्रयास करेंगे। पितृपक्ष के भरणी नक्षत्र के दिन श्राद्ध करने से गया जाकर श्राद्ध करने का प्राप्त होने वाला फल मिलता है। शास्त्र के अनुसार भरणी श्राद्ध वर्ष श्राद्ध के उपरांत करें। अभी यहां पर आप एक जो चार्ट देख रहे हैं इसमें दिए गए जानकारी के अनुसार पितृपक्ष की त्रयोदशी तिथि को छोटे बालकों के लिए श्राद्ध कर सकते हैं जिनकी अपमृत्यु होती है, जैसे किसी दुर्घटना अथवा अन्य किसी के द्वारा हत्या किए जाने के कारण मृत्यु होती है, उनके लिए पितृपक्ष के चतुर्दशी अर्थात घात चतुर्दशी के दिन श्राद्ध कर सकते हैं। पितृपक्ष के नवमी के दिन मृत सौभाग्यवती स्त्री का श्राद्ध कर सकते हैं। अपमृत्यु के प्रसंग में श्राद्ध के साथ साथ श्री गुरुदेव दत्त ये नाम जप करना भी आवश्यक है। एक श्राद्ध के विषय में जो आपने अभी बताया, तो एक प्रश्न ऐसा भी रहता है कि हिंदू धर्म में छोटे जो बाल्यावस्था में जिनकी शिशु के अवस्था में जिनकी मृत्यु होती है उनका श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता है, तो इसका कारण आप हमें बताएं। अवश्य, यह छोटे शिशु से अभिप्राय है कि जिनके दांत नहीं आए हो, साथ ही जिनमें हड्डी बनने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई हो और उनकी मृत्यु हुई हो, तो उनका श्राद्ध नहीं किया जाता। ऐसे बच्चों का लेन देन पूर्ण हो जाने के कारण वो पृथ्वी लोक से आगे चला जाता है। इतनी अल्प कालावधि के लिए जन्म लिए हुए जीव में अपने देह के प्रति कोई आसक्ति ही नहीं रहती है। आसक्ति और लेन देन न होने से ऐसा जीव भूलोक में नहीं फंसता है और उसे अगली गति प्राप्त हो जाती है, इसलिए ऐसे छोटे शिशु का श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता है। परंतु यदि बालक बड़ा हो अर्थात 10 वर्ष आयु तक के बच्चों के लिए शास्त्रों में श्राद्ध का विधान बताया गया है। छोटे बच्चों की यानी 10 वर्ष आयु तक मृत्यु होने के संदर्भ में धर्मशास्त्र में व्यवस्था की गई है। छोटे बच्चों की मृत्यु के पश्चात उनके श्राद्ध कर्म के समय पिंडदान के पश्चात उन्हें केवल मंत्र पूर्वक अन्न का निवाला ही दिया जाता है, जिसे प्रकीर कहा जाता है। इन जन्म में ऐसे छोटे जीव के मन पर किसी भी प्रकार के संस्कार न होने से ईश्वर द्वारा उस जीव के लिए यह व्यवस्था बनाई गई है। अब ये और एक प्रश्न मृत्यु से संबंधित जो बहुतों के मन में रहता है वो सूतक के बारे में रहता है। जब किसी का मृत्यु होती है तो सूतक का पालन किया जाता है, तो अभी ऐसी एक बात ज्यादातर ध्यान में आती है कि ऐसे अनेक रिश्तेदार होते हैं जिनको हम लोग जानते भी नहीं है और कहीं से पता चलता है कि ऐसे ही किसी रिश्तेदार की मृत्यु हुई है, तो ऐसे में मृत्यु की बात पता चलने पर क्या सूतक का पालन करना चाहिए, और यदि हाँ तो सूतक का पालन कितने दिन तक करना चाहिए? कई बार मृत्युपरांत के क्रियाकर्म केवल धर्मशास्त्र में बताया गया है, इसलिए अथवा परिजनों के प्रति कर्तव्य पूर्ति स्वरूप इतना ही किया जाता है। अधिकांश लोग इनके महत्व अथवा अध्यात्म शास्त्रीय दृष्टिकोण नहीं जानते। किसी कर्म के अध्यात्म शास्त्रीय आधार एवं महत्व को समझ लेने पर व्यक्ति का उस पर विश्वास बढ़ जाता है और वो उस कर्म को अधिक श्रद्धा से कर पाता है। किसी की मृत्यु होने पर परिजनों का मन दुख शोक भय आदि से भरा होता है। ऐसी स्थिति में धार्मिक विधियां सिद्ध नहीं होती है, इसलिए मन के उन विक्षोभों के शमन तक धार्मिक कर्मकांडों को न करना ही उचित रहता है। अब दाह संस्कार करने के अधिकार के संदर्भ में सूतक का क्या अर्थ है यह हम समझ कर लेंगे।
व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात गोत्रज तथा परिजनों को विशिष्ट कालावधि तक अशुचित अर्थात अशुद्धि लगती है, उसी को सुतक कहा जाता है। अब सुतक पालन के नियम समझ कर लेते हैं। मृत व्यक्ति के परिजनों को 10 दिन तथा अंत्यक्रिया करने वाले को 12 दिन यानी सपिंडीकरण तक सुतक पालन करना चाहिए। 7 पीढ़ियों के पश्चात 3 दिन का सुतक होता है। मृतक के अन्य परिजन उदाहरण के तौर पर मामा, भतीजा, बुआ इत्यादि कितने दिनों तक सुतक का पालन करें यह संबंधों पर निर्भर रहता है तथा उसकी जानकारी पंचांग और धर्मशास्त्रों में दी गई है। यदि विवाहित स्त्री के माता पिता का देहांत होता है तब उसे अशौच नहीं लगता, किंतु जब वो अपने पिता के घर में बच्चे को जन्म देती है तो 1 दिन का अशौच लगता है। यदि विवाहित स्त्री की मृत्यु हो जाए तो 3 दिनों का अशौच लगता है। यदि किसी के मामा की मृत्यु हो जाए तो उनके भांजे एवं भांजी को एक पक्षिणी अर्थात मृत्यु के बाद के समय से लेकर सूर्यास्त काल तक इतना समय का औचित्य निभाने का विधान है। यदि यज्ञ चल रहा हो और ऐसे समय में यदि किसी को ज्ञात हो कि उसे जन्म या मृत्यु का सूतक लग चुका है तो ऐसी स्थिति में यज्ञ का संकल्प इसलिए कि पूर्व में हो ही चुका रहता है, इसीलिए पूर्व संकल्पित यज्ञ के या यज्ञादि धर्म पूर्ण करने में कोई दोष नहीं लगता है। सूतक में कौन से बंधन का पालन करना चाहिए यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। सूतक में अन्य व्यक्तियों को स्पर्श न करें, कोई भी धर्म कृत्य अथवा मांगलिक कार्य न करें तथा सामाजिक कार्य में भी सहभागी न हो, अन्यों की पंगत में भोजन न करें। सूतक समाप्त होने पर स्नान तथा पंचगव्य यानी गाय के दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर का मिश्रण सेवन कर शुद्ध हो जाए। सूतक के संदर्भ में हमने विस्तार से समझ कर लेने का प्रयास किया। अब आज के जीवन पद्धति को लेकर प्रश्न ये है कि आज की स्थिति में परिवार विघटित हो गए हैं और नई पीढ़ी एक दूसरे को जानती भी नहीं है तो क्या सूतक रखना चाहिए क्या, ये भी एक प्रश्न समाज में आता है। इसमें पहले तो ध्यान में ये रखना चाहिए कि श्राद्ध कर्म श्रद्धा पर आधारित होता है, तभी उनका उचित लाभ मिलता है। जहां भय, मजबूरी, लाचारी, परेशानी इन जैसी भावनाएं आती है वहां श्राद्ध भाव समाप्त हो जाता है और कर्म कांडों का अधिक लाभ नहीं होता। इसलिए उचित यही है कि मन से भय या असमंजस निकालकर विवेकपूर्वक शास्त्र विधानों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। यदि अधिक दूर के रिश्तेदार की मृत्यु हो गई हो तो उस व्यक्ति के लिए सूतक नहीं लगता। यदि व्यक्ति अन्य किसी राज्य या देश में हो और उनकी मृत्यु होने के 10 दिन के अंदर हमें पता चले तो शेष रहे दिनों तक ही सूतक रख सकते हैं। यदि हमें 10 दिन के उपरांत पता चले तो सद्या शौच अर्थात स्नान करके तुरंत शुद्धि कर सकते हैं। पूजनीय नीलेश जी, आपने सूतक के विषय में इतना विस्तृत ढंग से बताया कि निश्चित तौर पर हमारे मन में सूतक से संबंधित जो भी प्रश्न थे उसका निरसन हुआ होगा, ऐसे मुझे लगता है। अभी और एक प्रश्न जो मन में आता है कि यदि किसी पिता को 4 पुत्र हैं और पिता की मृत्यु हो जाए तो चारों पुत्रों को पूर्वजों को कष्ट होने की संभावना होती है क्या, और ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, इस विषय में आप थोड़ा मार्गदर्शन करें। अवश्य, एक अच्छा प्रश्न आपने पूछा हुआ है। अपने पुत्रों द्वारा पिंडोदक यानी पिंड एवं उदक दिए जाने पर ही पितर सुखी एवं संतुष्ट होते हैं। पुत्र किसे कहें, इस विषय पर शास्त्र वचन हमारे मनुस्मृति में लिखा हुआ है। पुन्नामनो नरकाद्यस्मात् त्रायते पितरं सुतः तस्मात् पुत्र
इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा। इसका अर्थ यह है कि शास्त्रों के अनुसार पुत्र उसे कहते हैं जो अपने पितरों की यानी पूर्वजों का पू नामक नरक से रक्षा करता है। उसे स्वयं ब्रह्मदेव ने पुत्र कहा है। पितरों को सदगति प्राप्त हो, उन्हें अनंत यातनाओं से मुक्ति मिले एवं पितृलोक से पितर अपने वंश पर कृपा दृष्टि रखे, इस हेतु पुत्र श्राद्ध आदि विधियां करे, ऐसे मनुस्मृति में कहा गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है कि देव कार्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण पितृ कार्य है, इसलिए सर्व मंगल कार्यों में भी नांदी श्राद्ध का विधान सर्वप्रथम बताया गया है। ब्रह्म पुराण कहता है जो व्यक्ति विधिपूर्वक अपने आर्थिक स्थिति के अनुरूप श्राद्ध करता है वो ब्रह्मदेव से लेकर तृण तक सर्व जीवों को तृप्त करता है। श्राद्ध करने वाले के कुल में कोई दुखी नहीं रहता। जिस प्रकार परिवार में पिता की मृत्यु के बाद मृत्यु के उपरांत सभी पुत्र पूर्वजों की संपत्ति धन तथा उनके घर पर समान अधिकार का दावा करते हैं, वैसे ही उन पर पितृ ऋण भी लागू हो जाता है। यदि सभी पुत्रों का भोजन एक ही रसोई घर में बनता है तो ज्येष्ठ पुत्र को श्राद्ध विधि करनी चाहिए, और यदि सभी के रसोई अलग अलग है तो सभी को श्राद्ध कर पितृ ऋण से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। पितृदोष न लगे इसलिए श्री गुरुदेव दत्त के दत्तात्रेय भगवान का नाम जप भी करना चाहिए। आपने यह जो उत्तर बताया वो निश्चित तौर पे सामान्य लोगों के मन में आता ही है, क्योंकि आजकल जो परिवार है वो विघटित हुए हैं और सभी अलग अलग रहते हैं, और जो आपने बताया वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई। अब हम कर्मकांड विषय कुछ प्रश्नों के बारे में पूजनीय नीलेश जी से संवाद करेंगे, क्योंकि कर्मकांड के विषय में बहुत लोग इस संबंधित जुड़े रहते हैं। तो हिंदू धर्म में व्रतों का भी महत्व है, त्योहारों का महत्व है, तो सर्वप्रथम हम आपसे ये पूछेंगे कि हिंदू धर्म में व्रतों का क्या महत्व है। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा हुआ है। व्रत ये जो शब्द है ये व्र इस धातु से बना है। इसके विभिन्न अर्थ हैं, वरना अर्थात स्वीकारना, संकल्प, इच्छा, आज्ञा पालन, उपासना, प्रतिज्ञा इत्यादि इसके अर्थ है। श्रद्धालुओं की यह धारणा होती है कि देवताओं ने उनके एवं प्राणियों के लिए कुछ विशिष्ट आज्ञाएं की हुई है। जब लोगों में श्रद्धा जागृत होती है कि देवताओं द्वारा संकल्पित विशेष कृत्य करना अनिवार्य है, तब उन्हें धार्मिक आचार अथवा उपासना का अर्थ ज्ञात होता है। विशिष्ट काल के लिए अथवा आमरण आचरण में लाने हेतु विशिष्ट नित्य नियम को व्रत कहते हैं। भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए जब कोई व्यक्ति अपने आचार अथवा अन्नादि व्यवहार प्रतिबंधित करता है, तब उन निर्बंधों को पवित्र प्रतिज्ञा अथवा धार्मिक कर्तव्य का स्वरूप प्राप्त होता है। इसके द्वारा आज्ञा पालन, धार्मिक कर्तव्य, देवताओं की उपासना, नैतिक आचरण, विधियुक्त प्रतिज्ञा, अंगीकृत कार्य जैसे विविध अर्थ व्रत शब्द के साथ जुड़े हुए हैं। संक्षेप में मनुष्य जन्म का मुख्य ध्येय है प्रतिदिन साधना करते हुए आनंद प्राप्ति अर्थात ईश्वर प्राप्ति के प्रयास करना, परंतु मनुष्य इस ध्येय को भूल जाता है। मनुष्य को अपने जीवन के उदात्त ध्येय का स्मरण रहे, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन का अध्यात्मिकरण करने के लिए विविध मार्ग बताए गए हैं, और व्रत उन्हीं में एक है। व्रत एक महत्वपूर्ण धार्मिक कृत्य है। जैसे आषाढ़ शुक्ल एकादशी से चातुर्मास प्रारंभ होता है, रक्षाबंधन, श्री गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दीपावली जैसे अधिकतर त्यौहार जो हैं एवं अयाचित व्रत, एकादशी व्रत, महालक्ष्मी व्रत, नवरात्र जैसे अधिकतर व्रत चातुर्मास में ही आते हैं, तो ये हमारे धर्मशास्त्र का यानी व्रत का एक बहुत बड़ा महत्व है। तो क्या आप हमें व्रत की परिकल्पना क्या है, इसका इतिहास क्या है, ये बताएंगे जरा?
जरूर, मनुष्य की रचना करने से पहले ईश्वर ने मनुष्य के लिए आचार संहिता बनाई, परंतु आगे चलकर काल के प्रभाव में मनुष्य के धर्माचरण दिन प्रतिदिन घटते गए तथा वहीं से व्रतों की परिकल्पना आरंभ हुई। प्राचीन समय से व्रत एक दिव्य साधना के रूप में प्रसिद्ध है। व्रत अनेक प्रकार के हैं। यदि व्रत संख्या का विचार करें तो विभिन्न ग्रंथों के अनुसार व्रतों की संख्या भी भिन्न है। विष्णु पुराण में विष्णु संबंधी है तो शिव पुराण में शिव संबंधी व्रत बताए गए हैं। महाभारत के दान पर्व में अनेक व्रत बताए गए हैं। निर्णय सिंधु जैसे ग्रंथ में प्रायश्चित व्रत भी बताया गया है। मध्ययुगीन काल समान कुछ व्रत ईसा पूर्व एवं पश्चात के कुछ शतकों में भी अस्तित्व में थे। 11वीं शताब्दी में राजा भोज के राज मार्तंड इस ग्रंथ में केवल 24 व्रतों का उल्लेख लिखा गया है, उल्लेख किया गया है। 12वीं शताब्दी के कृत्य कल्पतरु ग्रंथ में लगभग 175 व्रतों का उल्लेख पाया जाता है। तत्पश्चात बहु कालोपरांत रचे गए शूल पाणिकृत काल विवेक इस ग्रंथ में केवल 11 व्रतों का उल्लेख मिलता है। हेमाद्रि के ग्रंथ में 700 व्रतों का विवेचन किया गया है और ईस्वी सन 1626 में महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज द्वारा प्रसिद्ध व्रत कोश में 1922 व्रतों की सूची दी गई है। व्रतराज, व्रतार्क, व्रत कौस्तुभ, हिमाद्री व्रत इत्यादि ग्रंथों में व्रत संबंधी विस्तृत जानकारी दी गई है। भारत भर में एकादशी व्रत अर्थात पंढरपुर एवं आळंदी की यात्रा करने के लिए दो व्रत, ये जो व्रत है बहुत प्रसिद्ध है। साथ ही वट सावित्री व्रत है, महालक्ष्मी व्रत है, अन्नपूर्णा व्रत है, कजली तृतीया अर्थात हरितालिका इत्यादि व्रत भी अधिकतर किए जाते हैं। आपने जो ग्रंथों के विषय में बताया और व्रतों की संख्या के विषय में बताया, तो इससे और एक प्रश्न हमें मन में आया कि ग्रंथों में भी व्रतों की विस्तार से जानकारी दी जाती है, अनेक ग्रंथों में इसके विस्तृत लिखा हुआ मिलता है, तो इन व्रतों का महत्व क्या है? सामान्य जनों के लिए वेदानुसार आचरण करना आज बहुत कठिन हो गया है और इस कठिनाइयों को दूर करने के लिए पुराणों में ऐसे व्रत वैकल्य बताए गए हैं जिन्हें आचरण में लाना सभी के लिए सुलभ होता है तथा उनसे सभी का उद्धार होता है। व्रतों का महत्व विविध बातों से हमें स्पष्ट होता है। जैसे व्रत मनुष्य को इंद्रिय निग्रही, मन संयमी, मित आहारी, मित भाषी एवं सहिष्णु बनाते हैं। इससे मनुष्य का सत्वगुण बढ़ जाता है। महाराष्ट्र के संत समर्थ रामदास स्वामी जी उन्होंने लिखे हुए श्री दासबोध इस ग्रंथ में कहते हैं, उन्होंने कहा है कि कार्तिक स्नान, माघ स्नान, व्रत उद्यापन, दान, निष्काम भाव से की गई तीर्थ यात्रा, उपोषण, ये सर्व सत्वगुणों में वृद्धि लाते हैं। ये कहा गया है व्रतम भाग्यम अर्थात व्रत भाग्य वृद्धि करते हैं। भाग्य के कारण मनुष्य का सर्व दृष्टि से उत्कर्ष होता है। इससे दुख एवं आपत्ति का नाश होता है तथा संपत्ति, कीर्ति, यश, आयुष और आरोग्य इत्यादि का लाभ होता है। सती सावित्री ने व्रत के माध्यम से अपना भाग्योदय करवा लिया था। सावित्री के भाग्य से उनके ससुराल को दृष्टि प्राप्त हुई थी, राज्य एवं धर्म बुद्धि प्राप्त हुई थी, उनके पिता को पुत्र प्राप्ति हुई, उनके पति सत्यवान को जीवन प्राप्त हुआ तथा उन्हें स्वयं पुत्र प्राप्ति हुई। इसके साथ साथ व्रतम पुण्यम भी कहा गया है, यानी व्रत से पुण्य होता है। पुण्य एक अलौकिक संपत्ति होती है। मनुष्य जीवन में पुण्य का महत्व एवं आवश्यकता अनन्य है। पुण्य से ही मनुष्य को इच्छित फल, यश, कीर्ति, समाधान आदि प्राप्त होते हैं और यह सब व्रत करने से साध्य हो जाता है।
इसके साथ ही व्रतम यज्ञ ऐसा भी कहा गया है, अर्थात व्रत एक यज्ञ है। यज्ञात भवती पर्जन्य ऐसा वचन है, व्रत एक यज्ञ है इसलिए इससे पर्जन्य विश्व शांति जैसे लाभ होते हैं। अधिकतर यज्ञ विधि का फल स्वर्ग प्राप्ति है जो मृत्यु पश्चात प्राप्त होता है। व्रतों के संदर्भ ऐसा नहीं है, व्रतों के फल व्रतकर्ता को इसी जन्म में मिलते हैं। वैदिक यज्ञ कुछ ही लोग कर पाते हैं, परंतु व्रत कोई भी कर सकता है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में बताया गया है कि जिसने व्रत को अंगीकार न किया हो उसके द्वारा अर्पित आहुति को देवता नहीं स्वीकारते। इस दृष्टि से यज्ञ की तुलना में व्रत का श्रेष्ठ महत्व है। इसके साथ ये भी कहा है कि व्रतम तपः, अर्थात व्रत एक प्रकार का तप भी है। तप का सामर्थ्य अधिक है, तप से असाध्य भी साध्य हो जाता है। व्रत से तप के सर्व लाभ मिलते हैं, इस दृष्टि से व्रत एक श्रेष्ठ कोटि का तप भी माना गया है, ऐसा जाबालोपनिषद दर्शन में बताया गया है। व्रतम देवेश पूजनम, अर्थात व्रत एक देवता पूजन भी है। व्रत करने से देवता प्रसन्न होते हैं, देवता प्रसन्न होने से मनुष्य का जीवन सफल होता है और जीवन की सफलता ही व्रत का परम फल है। जी, आपने जिस प्रकार से विस्तार से इस व्रतों के विषय में हमें बताया, हम यह देखते हैं कि चातुर्मास में त्योहारों और व्रतों की अधिकता रहती है, तो इसका कारण क्या है यह भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। अवश्य, आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक इन चार माह में पृथ्वी पर प्रवाहित तरंगों में तमोगुण अधिक मात्रा में होता है, यानी तमोगुण तमोगुणी तरंगों की मात्रा अधिक प्रमाण में पृथ्वी पर प्रवाहित होती है। उनका सामना करने के लिए सात्विकता बढ़ाना आवश्यक होता है। त्योहार एवं व्रतों द्वारा सात्विकता में वृद्धि हो जाती है। चातुर्मास में अधिकाधिक त्योहार एवं व्रत आते हैं। इस विषय में सनातन संस्था ने ग्रंथ भी प्रकाशित किया है जिसका नाम है त्योहार धार्मिक उत्सव एवं व्रत। तो मैं सभी दर्शकों को अवश्य कहना चाहूँगा कि ये ग्रंथ आप अवश्य पढ़ें, इसमें त्योहार के बारे में, धार्मिक उत्सवों के बारे में, व्रत के बारे में बहुत ही विस्तार से और सरल भाषा में जानकारी और शास्त्र बताया गया है। पूजनीय नीलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमें जो विस्तृत रूप से और अलग अलग विषयों में हमारे दर्शकों को जानकारी दी, अध्यात्म से लेकर मृत्यु के विषय में, श्राद्ध के विषय में, और साथ ही साथ कर्मकांड और व्रतों के विषय में भी आपने विस्तार से हम सभी को आज बताया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। दर्शकों, अब समय आ गया है कि आज का धर्म संवाद हम यहीं समाप्त करें। आप सभी से ये विनती है कि आपके मन में यह कार्यक्रम देखते हुए जो प्रश्न निर्माण होते हैं वह कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हम तक अवश्य पहुंचाएं। हम आपकी शंकाओं का समाधान करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। यदि इस धर्म संवाद कार्यक्रम के विषय में आपके कोई सुझाव हो तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक अवश्य पहुंचाएं। आज के धर्म संवाद को हम यहीं पर विराम देंगे। तत्पूर्व जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक हम वंदन करेंगे और आज का धर्म संवाद यहीं समाप्त करेंगे। नमस्कार।